सूरज की किरणें पड़ रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शिरिनज़ादा महोडन झील में मौजूद हूँ। रात हमने यहीं पर गुजारी, बहुत ही शानदार रात थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पुरसकून। अगर आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आप पैदल वॉक करते हैं महोडन झील के किनारे, तो क्या ही बात है। यहाँ का जो म्यूज़िक है, यहाँ की जो परिंदों की आवाज़ें हैं, वो आप जब महसूस करेंगे, आप सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। जब भी आप आए तो एक रात यहाँ पर महोडन झील में गुजारें, ये आपकी ज़िंदगी भर का यादगार रात होगी। बहुत ही शानदार नज़ारे है। असल में जब आप यहाँ रात गुजारने के बाद सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आप इसमें वॉकिंग करते हैं, तो वो एक अलग-अलग फीलिंग है। तो मेरा ख़्याल है कि आप जब भी आए तो रात गुजारें, लेकिन रात गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी उठ जाएं और सुबह जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो इसका जो अलग-अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो आप इंजॉय करें। वरना ये गन के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं होगा, उनको रोजगार। नाजरीन, सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद 11,000 वाट चाय हम पी रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सुबह सुबह चाय पीने का अपना ही मज़ा है। और पानी एक गिलास पिया और इसके बाद ये गरम गरम चाय, तो क्या ही बात है। मेरा ख्याल है कि आप जब सुबह उठ जाते हैं और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं इन इलाकों में, तो ऑक्सीजन की जो माहौल है ना, वो बिल्कुल 100% साफ़ होते हैं। अगर आप शहर में, तो उसमें गर्दोगुबार, डीजल गाड़ियों की वो सारे, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर 100% प्योर ऑक्सीजन है, तो मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करें। झील महोडन में हम इस वक्त है,
हिंदुकश होटल पर। 3-4 सालों में तो इमरान खान के दौर में बहुत टूरिस्ट इधर आते थे, इतना आते थे कि हम रात को नहीं सोते थे 4-5 दिन, हम अपने बिस्तर भी उनको देकर कस्टमर को सुलाते थे उधर। तो इधर अभी ये हालात ऐसे है कि बस अभी कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, कोई मेहमान नहीं आ रहा है इधर, तो इसी वास्ते हम तो हुकूमत से हम शिकवा करते हैं कि इधर तवज्जो नहीं है किसी का, तो हम इसी वास्ते उसको दरख्वास्त करते हैं कि इधर कोई हुकूमत का तवज्जो दिया जाए, टूरिस्ट आए। तो यहाँ ये खूबसूरत नेचुरल, ये माउंटेन जी, ये इंग्लैंड थाईलैंड से कम नहीं है। आपको हम वेलकम करते हैं, कहाँ से आप आए हैं, कैसा लगा आपको रात अपने यहाँ पर माउंटेन जी में गुजारी? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, हम 16 पर्सन आए हैं गुजरांवाला से। अच्छा, तो कल जो नाइट है वो हमने कलाम में गुजारी और आज जो रात थी वो हमने गुजारी इधर माउंटेन में। माउंटेन का जो एनवायरनमेंट है, इसका वेदर जो है, इसकी कूलिंग, ये बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही मज़ा आया, हमने रात को यहाँ पे बोन फायर किया और यहाँ पे जो सितारों की जो हमने वो चादर देखी, वो ऐसा मैदानी इलाकों में उस तरह का आसमान का व्यू नहीं आता जो यहाँ पे है। फिर पानी के शोर का जो साउंड है वो एक सूथिंग साउंड है जो रूह को रिलैक्स करता है, सुकून देता है। क्या सजेस्ट करेंगे, रास्ते थोड़े से ख़राब है लेकिन अच्छी सड़कें तो हम इस्लामाबाद में भी मुयसर है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। जी बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है कि वो फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ट्रबल होता है, लेकिन गवर्नमेंट रोड्स के ऊपर काम कर रही है। सवात के रोड जो है वो मैं 2018 में आया था लास्ट टाइम, तो उसकी नस्बत मुझे अब बेहतर लगे हैं। तो मुझे पता चला है कि पिछले साल सैलाब बहुत ज़्यादा आया था जिसकी वजह से रोड्स काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो रिकवरी कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए रोड्स पे खसूसन तवज्जो दें, जहाँ पे टूरिस्ट जाता है वहाँ पे सफाई के लिए और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो है ना खसूसी तवज्जो दें। मैंने ये देखा है कि माउंटेन की वो खूबसूरती नहीं रही जो आज से 5 साल पहले थी। वो ग्रीनरी मुझे नहीं मिली, मुझे वो एनवायरनमेंट यहाँ पे वो उस तरह से नहीं मिला। उसकी वजह क्या है कि ये जो छोटे छोटे होटल्स हैं, ढाबे हैं, बेढंगे तरतीब से बने हुए हैं। काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें कि ये एक तरतीब से बने और इनका कलर्स कम्बिनेशन नेचर के अकॉर्डिंग हो कि हमें वो अच्छे लगे। नो डाउट इसकी ज़रूरत है, होटल्स की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, हमें इसको बचाना चाहिए, हमें नेचर को बढ़ाना चाहिए बजाय इसके कि हम नेचर को ख़राब करें, दरख्तों को काटें, हमें दरख्तों को उगाना चाहिए। आफ्टर डैट मैं ये माउंटेन में आया हूँ और मैंने रात स्पेंड की जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक काबिल तारीफ एक मेमोरेबल नाइट होगी। तो मैंने जो रात स्पेंड की है बोन फायर के साथ, जो एक मैंने क्लियर स्काई देखा जिसमें मैंने थोड़े ना स्टार्स देखे, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगा है। बट अगर बात की जाए यहाँ पर आने की, तो रोड्स जो से वो ओवरऑल मतलब ख़राब तो हैं, बट ये नहीं कि हम नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं, लेकिन यह कि थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, लाइक हमें मतलब कि फील होता है कि थोड़ा बहुत डर सा, लेकिन हम इजीली पहुंच सकते हैं रोड्स पर, जिसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और बाकी ओवरऑल अगर पहुँचने के बाद जो फील आती है वक्ती तौर पर तो डर लगता है, बट जब हम पहुँचते हैं तो वो जो खुशी फील होती है सारा डर निकाल देती है। अगर आप देखें तो सारा सिस्टम जो है ना वो उन्होंने ख़राब कर दिया है। बहरहाल इन लोगों की भी रोज़ी रोटी है, लेकिन अगर हुकूमत इनके लिए मुतबादल कोई इस तरह इंतज़ाम करे कि इसको बेहतरीन बनाए, तो मेरा ख़्याल में माउंटेन जिल की खूबसूरती बरकरार रह जाएगी। ये सूरत हाल है, सीमेंट लकड़ी से बनाए, कोई और चीज़ से बनाए, लेकिन यहाँ पर अगर आप सीमेंट डाल देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा यह खूबसूरती सारा आबशार। सूरज की किरणें नीचे, माउंटेन झील में आप जहाँ भी जाए, आप अगर झील के किनारे बैठ जाते हैं या आबशार के किनारे बैठ जाते हैं तो इसका अपना मज़ा है। इसकी जो सॉन्ग है, इसकी जो म्यूजिक है, वो बिल्कुल दिल को, शहर को बहुत अच्छा लगता है। आप अगर खामोश हो जाते हैं और इसमें खो जाते हैं तो आप यकीन माने आपकी जहनी तनाव और जो परेशानी है सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे।
जब आप महोडन झील पहुंच जाते हैं तो आपको रात गुजारने और खाना जो है ना वो ज़रूरी होता है कि आप खाने पीने के लिए भी जो चीज़ें हैं वो भी हो। तो यहाँ हमारे साथ असद मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सयाहों को ये क्या सहूलियात दे रहे, खाने पीने में क्या चीज़ें दे रहे। हम आपको वेलकम करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मेहमान लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप लोग आ जाएँ। हमारे पास होटल है यहाँ पे, अलबदर होटल है, ठीक है, बोट है और खाने पीने की चीज़ें, टेंट इज अवेलेबल, अच्छा मौजूद है। अच्छा, और खिदमत में हम हाजिर है, पहले भी खिदमत किए, आज भी खिदमत करेंगे, पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैं मेहमानों को वेलकम करता हूँ कि आप लोग आ जाएँ। असद जो है ना वो अभी छोटा है, इनके वालिद नसरुल्लाह जो है ना वो काफ़ी अरसे से सयाहों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर इनका अपना एक ढाबा है, तो इसमें मतलब खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब है, बोर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी दस्तियाब है, रात गुजारना चाहते हैं तो टेंट भी लगे हैं। थोड़ा सा मंजर मैं आपको दिखाऊं, तो ये इनके ये किश्तियाँ हैं, साथ ही जो है ना महोडन झील का किनारा, और साथ साथ अगर आप देखें तो पूरा एरिया अगर आप देखें बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर होते हैं। अगर आप झील देखें तो इसमें जो अक्स आपको नज़र आएगी दरख्तों के, पहाड़ों के, तो उसका डबल मज़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सुबह उठे थे नमाज के लिए 4:30 बजे, तो अब दोबारा सो गए, फिर उठ गए, तो अभी आपको चूंकि सुबह कुछ मनाजिर मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन आपको दिन के वक्त भी आपको दिखाऊं कि आप किस कमरे से आप बाहर क्या देख सकते हैं, तो पूरा पहाड़ी और जो भी सिलसिला है, झील, सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रात हमने गुजारी, और मेरा ख्याल है कि अब उठना चाहिए, नींद हमने काफ़ी पूरी कर ली। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सूरज वाली मनाज़िर। अभी सुबह जो हमने दिखाए थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और आज अभी सुबह सुबह मतलब यानी 8 बजे 9 बजे वाले मनाज़िर आपको दिखाते हैं, तो अगर आप देखें तो ये पूरा सिलसिला इस तरह हमको दिखाया जाए, ये अगर आप देखें तो क्या ही बात है। सुबह को नाश्ता,